हेलो फ्रेंड्स, सीजी प्लम्बर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गीज़र लगा हुआ है हेवेल्स का, आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका पावर प्लग को निकाल लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ पर पानी का काम करना है, प्लम्बिंग का। दोस्तों, मैंने पावर प्लग को सक्सेसफुली निकाल लिया है और इसको निकाल करके ही दोस्तों आपको इस पानी का काम करना पड़ेगा। दोस्तों, टंकी में काफ़ी कचरा है, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर लाइन ब्लॉकेज हो चुका है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये इनलेट का है दोस्तों, जिसमें कि गीज़र में पानी जाता है। दोस्तों, ये देखिए, राइट साइड वाला इनलेट होता है और लेफ्ट साइड वाला आउटलेट, जो कि आउटलेट दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइड में गया हुआ है, और दोस्तों इनलेट ये है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इनलेट वाले इस गीज़र के पाइप को मैं खोल के देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले मुझे इसे खोल के देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। दोस्तों, ये देखिए, मैंने इस पाइप को खोल लिया है इनलेट वाले को, और दोस्तों इसको मैं ऑन करके देखता हूँ एक बार, इसमें पानी आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, देखिए, पानी इसमें नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब मुझे इस पैंडल को खोलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कचरा आ चुका है, जिसके वजह से नीचे बाथरूम में गीज़र पॉइंट में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जिसमें गीज़र में पानी भरता है दोस्तों, एंटर वाला जो वॉल्व है, उसको सबसे पहले उसको चेक करना है। ये देखिए, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है दोस्तों, बहुत ही कम आ रहा है दोस्तों, जो कि लगभग एकदम 5% लगभग आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ, और दोस्तों इसको सबसे पहले हम इस वाटर पंप प्लायर की मदद से दोस्तों हम इसको खोलेंगे, उसके बाद फिर इस पैंडल खोलेंगे तो यहाँ पे कचरा फंसा हुआ है और वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पावर पॉइंट को गीज़र के ऊपर रख लेता हूँ दोस्तों, इस तरह से, जिससे कि पानी में ना भीग सके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है अभी आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक नट आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों बहुत ही आराम से खुल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों खोल लेना है, उसके बाद ही इसका काम आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये देखिए, बहुत आराम से इस तरह से आप घुमा करके इसको खोल लीजिए। दोस्तों, ये खुल चुका है, और इस पर दोस्तों पीछे से हल्का चोट मार के इसको आप बहुत ही आराम से खोल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से खुल चुका है, और आपको दोस्तों नट को, और ये कैप है दोस्तों चूड़ी वाली इसकी, और दोस्तों इस हैंडल को आपको बहुत अच्छे से रख लेना है, ताकि जब फिट करेंगे तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद दोस्तों इसको सिंपली आपको एंटी क्लॉकवाइज खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों ये स्पैंडल है, और दोस्तों इसको डिस्क भी बोलते हैं, और ब्रास इनर फिटिंग क्वार्टर टन नल का ये भी बोलते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो 14-15 के फिट पानी से भी इसको खोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे वाटर पंप प्लायर की मदद से बहुत ही आराम से इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों, आपको इसको अच्छे से खांचे में इस तरह से बिठा लेना है, और दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से अच्छे से मेरे हाथ को आप देखिए, इस तरह से होल्ड अच्छे से पकड़ के, और इस तरह से आप घुमाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पानी आना शुरू हो गया है। ये देखिए दोस्तों, काई वगैरह जमा हुआ है इसमें, जो कि निकल रही है इसके अंदर से, आपको मैं दिखा रहा हूँ पास से दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इस स्पैंडल को मैं खोल के साफ़ कर लेता हूँ। दोस्तों, मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो कैमरा गीला हो जाएगा। दोस्तों, स्पैंडल को खोल के और आपको 3-4 बार ऐसा पंप कर देना है, उसके बाद कचरा क्लीन हो जाएगा, और स्पैंडल को क्लीन करके मैं तुरंत से लगा दूंगा फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, मैं हैंडल को लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पानी आ चुका है, काफ़ी इसमें काई वगैरह निकली दोस्तों। और दोस्तों, ये 7 फीट का जो बाथरूम हम हाइट रखते हैं, उसके छज्जे पर दोस्तों ये
गीज़र को हम लोग लगाए हुए हैं यहाँ पर। कस्टमर जो है और बहुत सारी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है दोस्तों सबको, जो भी पानी यहाँ पर गिरा है दोस्तों सबको मैंने पोंछा है। और दोस्तों यहाँ पर एल्युमिनियम का पार्टीशन भी लगा हुआ है, और आपको मैं एक बार नीचे का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों बाथरूम में गीज़र लगाना बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन दोस्तों जब गीज़र को ऊपर लगाते हैं तो इस प्रकार की काफ़ी सारी परेशानियों का हमें सामना भी करना पड़ता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखते हुए इस चीज़ को काम को करवाएं। यहाँ पर बैठने की जगह बहुत कम है, और इस काम को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं इस वाटर इनलेट का कनेक्शन पाइप को मिला देता हूँ दोस्तों, और इसकी जो भी फिटिंग मैंने खोली थी दोस्तों उसको मैं अच्छे से फिट कर लेता हूँ। दोस्तों आपको स्पैंडल को अच्छे से टाइट कर लेना है, और यहाँ पे लीकेज आपको चेक कर लेना है। मैं चेक कर चुका हूँ, लीकेज नहीं है दोस्तों। आपको सिंपली इसको लगा लेना है क्लॉकवाइज, और दोस्तों उसके बाद इसको मैं लगा लेता हूँ, इस हैंडल को सिंपली ऐसे हाथ से आपको ठोक देना है दोस्तों, और बहुत अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद मैं नट को बहुत ही सिंपली इसमें डाल देता हूँ दोस्तों, और ये टाइट हो जाएगा सेंटर में आपको डाल के, और इस तरह से क्लॉकवाइज आपको टाइट कर लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से दोस्तों इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद ये जो कैप है इसको सिंपली आपको हाथ से लगा लेना है। इस तरह से आपको रख लेना है दोस्तों, और इसको क्लॉकवाइज आपको हाथ से टाइट कर देना है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको औजार लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और उसके बाद सिंपली इस नट को हमें टाइट कर लेना है दोस्तों। दोस्तों ये गीज़र में जो ठंडा पानी एंटर होता है दोस्तों, इसको मैंने अच्छे से टाइट कर लिया है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मैं पानी चालू कर लेता हूँ इसका। और उसके बाद दोस्तों ये वाला जो आउटलेट का है, इसका जो गीज़र में गर्म पानी आउटलेट आता है दोस्तों, ये इनलेट है, ये आउटलेट है दोस्तों, जो कि ये गया हुआ है। और इस पाइप को दोस्तों एक बार यहाँ पर मैं ओपन करके और देख लेता हूँ कि प्रॉपर पानी आ रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, इस पाइप को मैं जो कि गीज़र का आउटलेट है इसको ओपन कर चुका हूँ, और दोस्तों इसको मैं बाल्टी में रख लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसको हम ऑन करके देखते हैं। मैं वॉल्व को ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ठंडे पानी को। ये ऑन हो चुका है, और ये देखिए दोस्तों पानी का प्रेशर बहुत बढ़िया आ रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते हुए मैं तुरंत से इसको बंद कर लेता हूँ, क्योंकि पानी नहीं तो बकेट से गिर जाएगा दोस्तों। ये बंद हो चुका है, और दोस्तों इसमें गर्म पानी आ रहा है दोस्तों, जो कि गीज़र में स्टोरेज था। मैं इसको दोस्तों वापस से लगा लेता हूँ, और नीचे जाके प्रेशर को मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बाथरूम के ऊपर जो एरिया है, स्टोर वाला एरिया है दोस्तों, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पूरा यहाँ पर सामान रखा हुआ है काफ़ी सारा। और दोस्तों जब भी यहाँ से आप जाएंगे नीचे, तो दोस्तों इस लीकेज वगैरह को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, और जो भी आपका सामान आपने निकाला है औजार से उसको बढ़िया से आपको वाइंड अप कर लेना है फ्रेंड्स। और ये देखिए दोस्तों, जो कि पानी करीब 10 लीटर भर चुका है, जो कि मैंने पूरा इसमें पोंछा है, इसमें पूरा पानी भर चुका था फ्रेंड्स जब हमने पानी की टेस्टिंग की। तो ये भी आपको दोस्तों कर लेना है, नहीं तो बहुत सारे प्लाईवुड या वॉल में जो भी पेंटिंग वगैरह है वो ख़राब हो जाएंगे दोस्तों। पेंट वगैरह यहाँ पर लीकेज वगैरह नहीं है, मैं बहुत अच्छे से चेक कर चुका हूँ। और दोस्तों मैं नीचे जाके एक बार आपको प्रेशर भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद ये सब काम कंप्लीट होने के बाद आपको प्लग को वापस से लगा लेना है दोस्तों। इस तरह से आपको भूलना नहीं है दोस्तों, नहीं तो जब नीचे से बटन ऑन होगा तो हम कहेंगे पानी जो है ठंडा आ रहा है, गर्म क्यों नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को आपको जो भी आपने काम किया है उसको ध्यानपूर्वक से आपको काम करना है दोस्तों। प्लग को मैं लगा चुका हूँ अच्छे से, और दोस्तों मैं नीचे जा कर के अभी आपको वाटर का प्रेशर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मैं ये बाथरूम में आ चुका हूँ, यहाँ पर बैंड मिक्सर लगा हुआ है दोस्तों।
जो कि गर्म पानी का प्लम्बर भाई ने इस तरफ पॉइंट दिया हुआ है राइट साइड में। ये देखिए दोस्तों, गर्म पानी इस पर आ रहा है और प्रेशर इसका बढ़िया है दोस्तों, फिल्टर इस पर नहीं लगा हुआ है। ये दोस्तों गर्म पानी का दिया हुआ है जिसका प्रेशर मैंने आपको दिखा दिया है, और ठंडे पानी का प्रेशर ये देखिए ठंडे पानी का है दोस्तों। इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों। इस तरह का वीडियो देखने के लिए सीजी प्लम्बर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।